हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं थैंक यू करना चाहती हूँ एचलीना का, अनाया का और खतीजा का। ये मुझे बहुत शौक से देखती हैं और लाइक करती हैं, शेयर करती हैं, इसलिए मैं इनका दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। आप तीनों का मैं दिल से बेटा थैंक यू करती हूँ, और किसी दिन मैं आप लोगों के साथ आके मैम स्टिक, क्योंकि बच्चों को चिकन की चीज़ें बहुत पसंद होती है, रेसिपियाँ चिकन वाली लाइक करते हैं बच्चे, और आजकल चिकन भी थोड़ा सस्ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको ड्रम स्टिक बना के दे देती हूँ घर पे ही। सलोनियस हाय, छोनी भी खाएगा ड्रम स्टिक? क्या खाओगे? सलोनियस तो भाई खाएगा चिप्स, फ्रेंच फ्राइज। विवश, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये मैंने तैयारी करके रखी हुई है सारी ड्रम स्टिक की। ये मैंने सारे लेग पीस लिए हैं, ये मैदा है, इसमें मैंने काली मिर्च और नमक डाल के इसको पानी से हल करके रखा हुआ है, और ये भी मैदा ही है। हम इस तरह से इसको सूखा मैदा पहले लगाएंगे, फिर गीले वाले पे डिप करेंगे, और क्रम्स लगा के इसको फ्राई होने के लिए तेल में डाल देंगे। तेल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। पहले इसको ड्राई मैदा लगा के, फिर ये जो मैंने लिक्विड वाला बनाया हुआ है ये लगा के, फिर हम इसको क्रम्स लगाएंगे। मेरी कढ़ाई का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इसलिए हम तीन तीन करके ही डालेंगे। ये 21वीं सदी के बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होता है, बस हर वक्त चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़ें हमें मिले। रोटी सालन तो हमें मिले नहीं खाने के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। ये 8 से 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। व्यूअर्स, आप लोग भी हमें कमेंट्स करके बताते रहा करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, हम सही कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं। आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा व्यूअर्स कि हमारा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ये अजीत हो रहा है अपने पापा की कार, गाड़ी साफ कर रहा है, टायर वगैरह साफ कर रहा है। कल मीरब लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो इन लोगों का इरादा है कहीं जाने का, इसलिए गाड़ी को पहले से साफ कर रहा है, चमका रहा है। सलोनियस आप भी गाड़ी साफ करवाओ। सलोनियस साफ बन के बैठा हुआ है गाड़ी में। ये मुझे हाय करता रहता है। ऐसे अच्छे से टायर साफ करो।
ये हमारी ड्रम स्टिक हो गई हैं तैयार। रख दी अब सलोनियस और एजी तो लगे हैं खाने के लिए, मीरब घर पे नहीं है, ट्यूशन गए हुए हैं तो इसलिए वो बाद में आके खा लेंगे। एक तो गर्मी इतनी शदीद है कराची में, बारिशें पता नहीं कब होंगी। दुआ किया करें सब मिलके कि जल्दी जल्दी कराची में भी बारिश हो। आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कल से मीरब लोगों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और